Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the types and categories of requirement. So I will explain in both English and Urdu for the better understanding of students. सबसे पहले हम इसमें ये बात करेंगे कि हमारे पास ये FURPS Plus model क्या है. FURPS Plus model जो है ये हर तरह की project की requirements को इकट्ठा करने के लिए एक बेहतरीन मॉडल है. इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर हम ईच एंड एवरी टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें कौन सी ऐसे पॉइंट्स को याद रखना पड़ेगा जिनकी बेसिस पे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हमने हर तरह की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी कर ली हैं. क्योंकि अगर हम हर तरह की रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठी नहीं कर पाए तो उस सूरत में प्रॉब्लम ये आएगा कि स्कोप क्लियर नहीं हो पाएगा किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का. तो उस सूरत में हमारे पास इनकम्प्लीट रह जाएगा और उसमें फिर फेलियर के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम पहले से ही इस तरह ज़बरदस्त तरीके से प्लानिंग कर लें ताकि हमें बाद में उसमें प्रॉब्लम ना आए. तो उसके लिए जी एफ स्टैंड फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यू यूजबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, आर से रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, पी से परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, एस से द रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सपोर्टेबिलिटी, and in plus indicates some other sub factors and requirements about implementations, interface requirements, operational requirements, packaging and legal requirements. So in this lecture we will discuss in detail about all the types and categories of requirement of functional usability, reliability, performance, supportability, implementation, interface, operational, packaging and legal. So, FURPS. F से बनती हैं फंक्शनल. अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये एक बहुत ही एक मतलब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए भी इस चीज़ को समझना कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट आर द बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स. सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉन फंक्शनल एंड बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स. सो इन दिस लेक्चर we will clear all our these confusions and concepts about the requirements and the coverage of all types of requirement for the software development. Functional requirements ke andar hamare paas jo sabse pehle factor dekha jata hai wo hai ki question hai features. What are the features of your requirement project? Kya kya aapki usme khoobiyan hain, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, आप बताएं. तो आप ये क्वेश्चन करते हैं. अब देखिए ना, आपको ये आइडिया हो रहा है कि मैंने क्वेश्चन क्या करना है, मैंने किस तरह की रिक्वायरमेंट के अंदर कौन सा क्वेश्चन करके उस स्टेक होल्डर से उसके प्रोजेक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है ताकि कल को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम या क्लेम ना आए. नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है फंक्शनल के अंदर कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्रोजेक्ट. आपके प्रोजेक्ट की कैपेबिलिटीज़ क्या होंगी, वो क्या क्या कर सकेगा. और फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आप उसको कितना सिक्योर रखना चाहेंगे, उसमें किस किस चीज़ को सिक्योर रखना चाहेंगे. तो ये होंगी आपकी फंक्शनल या जिन्हें बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन विच द यूजबिलिटी रिक्वायरमेंट्स अकर्स. यूजबिलिटी के अंदर हम सबसे पहले ह्यूमन फैक्टर्स को देखेंगे. ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं, ह्यूमन फैक्टर में हम इजी टू यूज़ एंड यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि वो जो प्रोजेक्ट है वो इजी टू यूज़ होना चाहिए, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए. फिर हम उसमें बात करेंगे कि हेल्प का जो डॉक्यूमेंट बनाना है उस प्रोजेक्ट के लिए, वो हेल्प का डॉक्यूमेंट कैसे हो, कितना डेप्थ के साथ हमने बनाना है, कितनी कास्ट उसके लिए हमें पे की गई और हमने वो डॉक्यूमेंट किस तरह बनाना है. फिर जो डॉक्यूमेंटेशन बनानी है उस प्रोजेक्ट की या प्रोडक्ट की, वो कितनी डिटेल्ड होनी चाहिए, कितने चैप्टर्स पर मुश्तमिल होनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी डेप्थ के साथ डालनी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करें. तो ये यूजेबिलिटी कि आइदर द सॉफ्टवेयर विल बी यूजेबल आर नॉट, तो उसके बारे में ये रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करेंगे. फिर हम जब बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर रिलायबल होना चाहिए, अब कस्टमर कहता है रिलायबल, तो रिलायबल के बारे में आपकी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करने का मेथड में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या होगा कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी या फेलियर के बारे में डिस्कस करें. फिर कोई भी सॉफ्टवेयर की अगर हम
या प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी चेक करना चाह रहे हैं, तो उसमें मतलब हमें लेस फ्रीक्वेंसी या फेलियर रखनी है। लेकिन फेलियर तो आ सकती है, तो इफ़ फेलियर अकर देन द सेकंड पॉइंट इज़ क्विक एंड इजी रिकवरी, कि वो कितना जल्दी रिकवर हो सकता है। और अगर किसी सॉफ्टवेयर में हम ये इंश्योर करें कि फेलियर के चांसेस बहुत कम हैं, और अगर फेलियर किसी सूरत में आती है तो क्विक एंड इजी रिकवरी पॉसिबल है, देन वी आल्सो मे प्रिडिक्ट, तो हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चीज़ इतने टाइम के अंदर हमें जो है ये वाला काम करके देगी। मतलब हम ये कहते हैं कि ये फ़ोटो कापिंग मशीन है हमारे पास एक, इसका नाम ए बी सी, ये डी ई एफ फ़ोटो कापिंग मशीन है, ये दो मशीन है, एक रिलायबल है एक रिलायबल नहीं है। तो जो रिलायबल है दोनों को हम एक ही टास्क देते हैं, रिलायबल और अनरिलायबल को। हम ये कहते हैं कि आपने जो है वो ये 1000 कापियाँ निकालनी, इतने टाइम में निकालनी। तो जो रिलायबल है उसके ऊपर हम ज़रा प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल जी इतने टाइम के अंदर इतनी कापियाँ निकाल लेगी। लेकिन जो अनरिलायबल है उसके ऊपर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि रिलायबल चीज़ के अंदर ये तीन फैक्टर्स हों। फिर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस। तो जब हम परफॉर्मेंस के बारे में, किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस के बारे में जब हम बात करें, तो किस चीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, किस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या ओवरऑल अगर हम रियल लाइफ में बात करें तो उसमें हमें ये पांच फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसका रिस्पांस टाइम जो है वो क्विक रिस्पांस टाइम होना चाहिए। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें हम उसकी प्रोसेसिंग के लिए काम कोई टास्क देते हैं तो वो जल्द अज़ जल्द हमें रिस्पॉन्ड करे, तो उसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी। तो हमें ये रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करनी है। फिर थ्रूपुट के बारे में बात करनी है। थ्रूपुट होता है नंबर ऑफ़ टास्क कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम आपको दे दिया गया कि एक मिनट का टाइम है, उसमें आप कितने टास्क मुकम्मल करते हैं। देखिए इसमें बात हो रही है टास्क कंप्लीटेड इन पर यूनिट टाइम, स्टार्ट नहीं करने। ये ना हो कि आप स्टार्ट कर दें और कहें जी नहीं कि मैंने इतना काम किया, नहीं, वो काम मुकम्मल भी होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ोटो कापिंग मशीन है तो वो एक मिनट के अंदर 100 कापी निकालती है, तो वो उसकी थ्रूपुट है। तो ये थ्रूपुट परफॉर्मेंस में क्या फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा होती है, मोर थ्रूपुट। एक्यूरेसी, मतलब कि हम ये कह सकते हैं एक्यूरेसी में कि हमारी एक एक्सपेक्टेड स्टेट है और एक एक्चुअल स्टेट है, सो इफ़ द डिफरेंस आर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल स्टेट इज़ ज़ीरो, तो ये हम एक्यूरेसी की डिफाइन कर सकते हैं। द डिफरेंस आर डिस्टेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल स्टेट, अगर ज़ीरो हो जाती है वो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस, तो वो फिर क्या हो जाएगा कि वो एक्यूरेट या एक्यूरेसी की बात करेंगे हम। तो एक्यूरेट होने चाहिए जी उस सॉफ्टवेयर को। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, कोई ना कोई रिसोर्स आपका अवेलेबल लाजमी होना चाहिए ताकि हर नई आने वाली रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करने के लिए, कम अज़ कम इंटरटेन करने के लिए आपके पास वो फैक्टर हो। फिर बेस्ट रिसोर्स यूजेज हमें करनी चाहिए, रिसोर्सेज की अच्छी से अच्छी जो है वो हमें यूजेज करनी चाहिए ताकि जो है वो उसमें हम बेहतर तरीके से जो है मैनेज कर सकें अपनी तमाम चीज़ों को। रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज जैसे कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज की हम बात करें तो उसमें सीपीयू का टाइम, उसमें मेमोरी, उसमें जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे के सारे रिसोर्सेज हैं। तो इस तरह प्रोजेक्ट में रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं कि आपके जितने भी लोग उससे एफिलिएटेड, डिज़ाइनर, कोडर, टेस्टर, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के लोग, डिप्लायर्स, मेंटेनेंस के लोग, ये सारे के सारे आपके रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा उसके अंदर यूज़ होने वाला हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल बेहतर से बेहतर करना चाहिए, उसकी रिक्वायरमेंट्स आप ऑलरेडी लिख के रखें। फिर आप बात करते हैं अबाउट द सपोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। सपोर्टेबिलिटी के अंदर ये अडॉप्टेबल, जिसको आप पोर्टेबल भी कह सकते हैं कि एक जगह से आप किसी दूसरी जगह पे उसको ले जाना चाहें तो वो यहाँ पर अगर इंस्टॉल था तो किसी दूसरी जगह पर भी जाके इंस्टॉल होने की सलाहियत रखता हो। फिर मेंटेनेबल हो, उसमें जो भी आए प्रॉब्लम्स उनको हम देखें और उनको सॉल्व करने की सलाहियत होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं इंटरनेशनलाइजेशन की, अगर हम इसको पूरी दुनिया के सामने ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के सामने लाना चाहते हैं तो उस सूरत में आपके पास जो है वो कौन सी लैंग्वेज, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में बनाई जी सॉफ्टवेयर, ये ना हो कि पश्तो के अंदर सॉफ्टवेयर बना दें या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी और सराइकी में सॉफ्टवेयर बना दें।
तो उस सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। अब बटन जो है उसके ऊपर लिखा है ओके लिखा है, सबमिट लिखा है, तो उसको समझना ज़्यादा लोगों के लिए आसान है बजाय इसके कि वो पश्तो में कुछ लिखा हुआ। तो ये इंटरनेशनलाइजेशन में पॉइंट देखेंगे कि वो सपोर्टेबल होना चाहिए, मैक्सिमम लोगों की रेंज में होना चाहिए। फिर कन्फिगरेबिलिटी, जिसे आप चेंजेबिलिटी भी कह सकते हैं कि चेंज करना, तो जैसे कोई आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं तो शुरू शुरू में जो उसमें सेटिंग होती हैं वो सारी की सारी आपकी बेसिक सेटिंग हैं, मतलब कि उसमें नोकिया ट्यून लगी है या फिर, तो आप उसमें जाके नोकिया ट्यून की जगह फॉर एग्ज़ाम्पल जी चल छैया छैया का गाना लगा देते, तो इसका मतलब आपने वो कन्फिगर किया, चेंज किया। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं जी आपकी FURPS। फिर उसके बाद हम प्लस में जब बात करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हम अबाउट द रिसोर्स लिमिटेशंस, लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टूल्स कौन सी यूज़ किए हैं, जैसे प्रोग्रामिंग C++ हैं, ये कौन सी यूज़ किया आपने, टूल्स में कौन से टूल यूज़ किए और कौन सा हार्डवेयर यूज़ किया, ये आप इसमें बात करेंगे। फिर आप इंटरफेस में बात करेंगे कि कंस्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय इंटरफेसिंग विद एक्सटर्नल सिस्टम, वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ अटैच के लिए आपने लगाए। फिर ऑपरेशन में आप बात करेंगे कि सिस्टम मैनेजमेंट इन इट्स ऑपरेशनल सेटिंग वो क्या होगी, वो लिखें। फिर आप पैकेजिंग में बात करेंगे फिज़िकल बॉक्स के, सारे सॉफ्टवेयर को एक जगह पर इंटीग्रेट किया तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। फिर बहुत ज़रूरी है लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करना, ये ना हो कि आप सारे का सारा सॉफ्टवेयर बना दें तो एंड पे जाके पता चले कि कानूनी तौर पे तो इसकी इजाज़त ही नहीं थी बनाने की, एथिकली मतलब कि अखलाकी तौर पे तो इसकी इजाज़त ही नहीं थी बनाने की, लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इन चीज़ों को पहले से अगर आप देख के रखेंगे तो एंड पे जाके इशू नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो FURPS प्लस मॉडल में रिक्वायरमेंट्स थी, ये हमें ओवरऑल हेल्प कर रही हैं कि हम जो है वो किस तरीके से अपने सॉफ्टवेयर की तमाम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। तो इन द यूनिफाइड प्रोसेस द रिक्वायरमेंट्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू द FURPS प्लस मॉडल, अ वेरी यूजफुल निमोनिक्स विद द मीनिंग्स डैट आर डिस्कस्ड। सो इट इज़ हेल्पफुल टू यूज़ FURPS प्लस categories as a checklist for requirements coverage to reduce the risk of not considering some important facts of the system. So some of these requirements are collectively called the quality attributes, inko hum quality attributes bhi keh sakte hain, inko hum quality requirements bhi keh sakte hain, or the elities of a system. Elities jaise aap dekh rahe hain ye lafz, adaptability, maintainability, configurability, recoverability, predictability, तो इनको elities भी कहा जाता है। तो these include usability, reliability, performance and supportability. तो in common usage requirements are categorized at functional, यानी behavioral भी requirements are non-functional, यानी anything else. तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने हर तरह की रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कोशिश करें कि इसको बेहतर से बेहतर जो है वो इसको अब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर ये सारी रिक्वायरमेंट आपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर लें तो आपके प्रोजेक्ट फुल एंड फाइनल तरीके से कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिले। और इस वीडियो में कैसा लगा आपको, आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, तो कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच।